स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ ए नंबर इज परफेक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। यानी कि किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर के बारे में बात करें तो किसी नंबर के फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या उसमें मेन चीज़ होगी कि वो नंबर जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका परफेक्ट डिवीजर होगा। क्या होगा? परफेक्ट डिवीजर। परफेक्ट डिवीजर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट डिवीजर का मतलब होता है कि वह नंबर उस नंबर में पूरा पूरा भाग उससे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नंबर सिक्स की, तो सिक्स का परफेक्ट डिवीजर कौन कौन से नंबर होंगे, किन किन संख्याओं से सिक्स में पूरा पूरा डिवीजन चला जाएगा, तो हम देखें तो वन से सिक्स में पूरा पूरा डिवीजन चला जाएगा, टू से भी सिक्स में पूरा पूरा डिवीजन चला जाएगा, थ्री से भी सिक्स में पूरा पूरा डिवीजन चला जाएगा और सिक्स से भी सिक्स में पूरा पूरा डिवीजन चला जाएगा। इसलिए हम सिक्स के लिए कह सकते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। इसके फैक्टर्स होंगे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर सिक्स। ऐसे ही अगर हम एक नंबर लें 24, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 24। सबसे पहले आइए चेक करते हैं वन 24 में पूरा पूरा डिवीजन चला जा रहा है, टू से भी चला जा रहा है, थ्री से भी चला जाएगा, थ्री एट 24 होता है, फोर सिक्स 24 होता है, फाइव से डिवीजन पूरा पूरा नहीं जाएगा, सिक्स से चला जाएगा, सिक्स फोर जा 24 होता है। ऐसे ही एट थ्री जा 24 होता है, ट्वेल्व टू जा 24 होता है और 24 वन जा 24 होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि 24 के फैक्टर्स क्या क्या मिलेंगे आपको, तो 24 के फैक्टर मिलेंगे आपको 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ नंबर 24। आइए एक और नंबर की हम बात करते हैं। हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल चलिए बात करते हैं 75 की। तो आइए देखते हैं वन से चला जा रहा है, टू से नहीं जाएगा, थ्री से चेक करिए, थ्री से चला जाएगा, क्योंकि फाइव ट्वेल्व टू जाएगा, फाइव से चला जाएगा, फिफ्टी से जाएगा, फिफ्टीन से जाएगा, ठीक है, फिर 25 से भी चला जाएगा और उसके बाद से 75 में डिवीजन पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमको 75 के फैक्टर्स क्या निकल कर के आ गए, 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे 1 हरदम आ रहा है, नंबर आप कोई सा भी लें 1 हर जगह पे आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर। क्या कह सकते हैं हम 1 के बारे में, 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर। 1 क्या है? 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी कि सभी संख्याओं का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, किसी भी संख्या का फैक्टर दो संख्याएं तो निश्चित ही होंगी, एक तो 1 जो कि यूनिवर्सल फैक्टर है और दूसरी वह संख्या स्वयं। यानी कि 6 का फैक्टर 6 स्वयं होगा ही होगा, आपको दिखाई दे रहा है, 24 का फैक्टर 24 भी होगा ही होगा, आपको दिख रहा है, 75 का फैक्टर 75 होगा ही होगा, आपको ये दिख रहा है। तो किसी भी नंबर के कम से कम दो फैक्टर जरूर होते हैं, तो इन बातों को ध्यान में आप रखे रहेंगे। आइए अब हम
आगे चलते हैं और बात करते हैं मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल के बारे में कि व्हाट इज मल्टीपल। एक एग्जांपल से हम बात शुरू करते हैं। सपोज एक नंबर है 20। 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो 20 के फैक्टर्स होंगे, अभी हमने फैक्टर पढ़ा है, 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 5 होगा, 10 होगा और 20 भी होगा। अगर हम इनमें से दो नंबर 4 और 5 को ले रहे हैं और हम 4 × 5 लिखें तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा 20। यानी कि अगर हम दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उसके रिजल्ट परिणाम स्वरूप जो हमको नंबर मिले उसको हम क्या कहते हैं? इन फैक्टर्स का मल्टीपल कहते हैं। तो क्या हो गया मल्टीपल का मतलब? मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर फैक्टर्स। यानी कि दो या दो से अधिक फैक्टर्स के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। और एक एग्जांपल से देखिए इस बात को। अगर हम एक नंबर ले लें 3, एक नंबर ले लें 2 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जा रहा है? 6 आ जा रहा है। तो 3 और 2 क्या है? 3 और 2 फैक्टर्स हैं और 6 क्या है? 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2। 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2। 24 का मल्टीपल बताइए। 24 का मल्टीपल होगा 4 एंड 6। 4 6 जा 24। और क्या हो सकता है? 24 का मल्टीपल 3 एंड 8। और क्या हो सकता है? 2 एंड 12। ये सारे किसके मल्टीपल हैं? ये सारे 24 के मल्टीपल, सॉरी ये सारे क्या हैं? ये 24 एक मल्टीपल है और उनके ये सब सब के सब फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स के मल्टीपल को ही हम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में समझिए आप इस चीज को। तो मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर फैक्टर्स। एग्जांपल्स को और बाकी सारी चीज़ों को अपने क्लास वर्क की कॉपी में आप नोट भी करके रहेंगे, इससे आपको कॉन्सेप्ट हरदम के लिए ध्यान में रहेगा।